नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी बेहद पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में उल्लेख है, जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वहां नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। आपको बता दें कि तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अधिक गुणकारी मानी जाती है। तुलसी में अनेकों औषधीय गुण पाए जाते हैं। तुलसी भी कई प्रकार की होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, श्वेत विष्णु तुलसी और नींबू तुलसी होती है, लेकिन घरों में मुख्यतः रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही रखी जाती है। अन्य तुलसियों को घर में रखना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी विवाह से न केवल पुण्य फलों की प्राप्ति होती है बल्कि कन्यादान जैसे शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। अक्सर देखा गया है कि व्यस्त समय के कारण घरों में अक्सर महिलाएं ही तुलसी पूजा करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीन महिलाओं को तुलसी पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता का अपमान माना जाता है। तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। तुलसी की पूजा इन तीन महिलाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए, लगता है भयंकर पाप। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में और भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी और माँ तुलसी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आपके हृदय में यदि तनिक भी स्थान है, तनिक भी प्रेम है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली अवश्य लिख दें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, क्या मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी की पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, महाभारत काल में जब द्रौपदी मासिक धर्म की पीड़ा से गुजर रही थी, उस समय जब जुए में हारने के कारण द्रौपदी को दुशासन के हवाले करना था, तब द्रौपदी एक कमरे में केवल एक ही वस्त्र में रह रही थी, तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि यह परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पुराने समय में ऐसे समय में महिलाओं को कोप भवन में रहना पड़ता था, और इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे समय में महिलाओं को पूजा पाठ व तुलसी पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चरित्रहीन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति व दुष्ट विचारों वाला व्यक्ति को हमेशा ही तुलसी के पूजा से सदैव दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की पूजा तुलसी माता कभी भी स्वीकार नहीं करती। अगर हम शास्त्रों की माने तो आपके मन में यदि गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह कभी भी नहीं करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहती है माता तुलसी और उसकी पूजा भी कभी स्वीकार नहीं करती। अगर आपका मन सच्चा है तभी माता तुलसी आपकी पूजा को स्वीकार करेंगी। इसीलिए एक बार सच्चे मन से जय माँ तुलसी, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। स्वागत महिलाएं, खास तौर पर से शादीशुदा महिलाओं को तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। ऐसी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पूजा है ये। तुलसी विवाह को पूर्ण रूप से करने से शादीशुदा जीवन बेहद मधुर हो जाता है, के साथ ही सात जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आपने कोर्ट मैरिज करी है, यानी पवित्र हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आपने विवाह नहीं किया है, तो आप इस पवित्र पूजा, इस पवित्र पौधे के आसपास भी नहीं भटक सकते। ऐसी अवस्था में आप तुलसी पूजा या तुलसी विवाह नहीं कर सकते। बगैर सात फेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते हैं। पहले आप सात फेरे लें, उसके बाद ही तुलसी पूजा करें। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्य करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। माता तुलसी व माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। दोस्तों, कुंवारी कन्या तुलसी पूजा कर सकती है, लेकिन अगर आप विवाहित हैं और आपने सात फेरे नहीं लिए हैं तो आप तुलसी पूजा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मैं इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली।